कुलियों के साथ में सामान ढो करके ये बताने की कोशिश किया है कि हम आपकी तरह ही मेहनत कश हैं और मेहनत कश लोगों के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी का कई स्टेट में सरकार है, वहाँ सरकार जितने इनके मुख्यमंत्री हैं या राहुल गांधी जी का घर क्या कुलियों के लिए खुला हुआ है? कोई भी गरीब आदमी अगर उनसे मिलने जाता है तो क्या वो मिल पाते हैं? अगर ऐसी बात है, ओरिजिनल है कि अगर वो कुलियों के साथ हैं तो इतने दिन कांग्रेस की सरकारें रही जब राहुल गांधी का ही फैमिली उसका मालिकाने में चल रहे थे, तो उस समय कितने कुलियों की भलाई हुई? देखिए वो बात है कि इन्होंने ये बात कही है कि हम मेहनत कश के लोगों के साथ हैं, अच्छी बात है वो मेहनत कश लोगों के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी जो आज के डेट में विशेष सत्र है, 18 से 22 का विशेष सत्र जो है भारतीय संसद में चल रही है, राहुल गांधी को जहाँ देश हित के बारे में सोचना चाहिए वहाँ उन्हें दिखाई दे रहा है कुली भाइयों के साथ जा करके एक अपना फोटो खिंचवाना, एक अपना नौटंकी कराना। अरे कितने बार वो बक्सा ढो सकते हैं? एक कुली को पता है कि कितनी मेहनत करता है तब उसके जाके रोजी रोटी मिलते हैं और वो खाना खा पाता है। राहुल गांधी अगर 12 घंटा हो देंगे तो मालूम हो जाएगा। अब ये ठीक है कि एक बैग उठाए, पता नहीं बैग में कुछ था कि नहीं था, सर पे रखे फिर वहाँ पे ढो लिए। ये कहीं ना कहीं दिखावेपन की, ओछेपन की राजनीति हिंदुस्तान को कमज़ोर करते जा रही है। राहुल गांधी जैसे सभ्य लोगों के लिए विपक्ष के इतने अच्छे लीडर कहे जाते हैं और वैसे लोग अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये क्या मामला? ये तो वही है मामला कि अगर आप मान के चलो कि इन्हें अब और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति से भी मेरी बात हो रही थी, वहाँ पे चर्चाएं चल रही थी, लोगों ने कहा कि राहुल गांधी तो कूली की तरह काम कर रहे हैं और कूली बन रहे हैं। तो किसी ने कहा, दोस्तों मैं आप में शेयर कर देता हूँ कि जब तक मोदी सरकार रहेगी अब ये लोग उसी काम लायक रह गए हैं, अब ये सत्ता में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। और ये वास्तविकता भी है जहाँ आपका विशेष सत्र चल रहा हो देश में, जहाँ पक्ष विपक्ष अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रही हो, देश की बातें सोचने के, देश की जनता की बातें सोचने का आज मौका है। अभी तक राहुल गांधी जी जाके अपने आप को एक मेहनत का साबित करने में लग रहे हैं। भाई राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो वो क्या कूलियों के साथ काम करेंगे या संसद में बैठ के काम करेंगे? यहाँ देश जानता है नौटंकी नहीं चलेगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो हों या चाहे कांग्रेस के सुप्रीमो हों। अब ये दलितों और कुचलों में बैठ करके दो रोटी खाना खा करके जो आते हैं वो ये दिखावे की बात मत करें। अगर वो चाहते तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आज 75 बरस से ऊपर हमारी देश की आज़ादी होते हुआ हो चुका है, देश में एक भी गरीब नहीं रहता। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, फूड ऑफ सिक्योरिटी बिल और राइट ऑफ एजुकेशन मनमोहन सरकार ने लाया था, लेकिन आज भी भोजन के लिए लोग 5 किलो राशन के लिए दौड़ रहे हैं रोडों पर और अपने बच्चों को एडमिशन के लिए लोग जगह जगह ठोकर खाते मिलते हैं। वो उन्हीं के सरकारों द्वारा यह कानून बनाई गई थी। अगर कुलियों का भरपेट भोजन और रोजी रोटी मिलने लगे तो आज राहुल गांधी को लाल शर्ट पहनने की क्या आवश्यकता है?